हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं ट्विटर पर ऐसे ही गया और वहाँ पर ट्रेंड देख रहा था रिप कार्टून नेटवर्क। जैसे ही मैंने रिप कार्टून नेटवर्क देखा और इस न्यूज़ को पढ़ा, अचानक से मेरा पूरा बचपन मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। कार्टून नेटवर्क के कई सारे ऐसे शोज थे जिन शोज ने मेरे बचपन को बहुत ही अच्छा बना दिया। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कार्टून नेटवर्क के विषय में। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। दोस्तों, 1992 में कार्टून नेटवर्क की शुरुआत हुई थी और ये अपनी तरह का एक अनोखा चैनल था। आप ये सोचिए कि कार्टून को पूरे दिन भर दिखाना एक कितना बड़ा रिस्क रहा होगा 1992 के समय में। उस समय कार्टून, जो कि इस समय बहुत बड़ा मार्केट है, उस समय इतना बड़ा मार्केट नहीं हुआ करता था और मेनली कार्टून डोमिनेटेड था उस समय डिज्नी के फॉर्म में ही। डिज्नी बहुत ज़्यादा उस समय डोमिनेट किया करता था, बट कार्टून नेटवर्क ने कार्टून्स की दुनिया को घर घर तक पहुंचाया। भारत में 1 मई 1995 को कार्टून नेटवर्क का शुभारंभ किया गया और उसके बाद तो ये भारत के हर बच्चे का प्रिय बन गया। जब हम लोग बचपन में कार्टून्स देखा करते थे तो शुरुआत में तो डिज्नी टाइम का एक दौर होता था, जो फ्राइडे को शाम को 4:30 से 5 बजे के दौर में डिज्नी टाइम आया करता था। उस समय हमारे पास जो केबल टीवी हुआ करता था वो अवेलेबल नहीं हुआ करता था, तो DD1 पे शाम को 4:30 से 5 जो है वो प्रोग्राम आया करते थे। इसके अलावा अंकल स्क्रूज और बाकी प्रोग्राम भी, टेलस्पिन जैसे प्रोग्राम आया करते थे उस दौर पर। बट जब कार्टून नेटवर्क का एक्सप्लोर हुआ और भारत में केबल नेटवर्क 1998 के आसपास जो है वो काफ़ी पॉपुलर होने लगे, तब कार्टून नेटवर्क का दौर शुरू होता है भारत में। और भारत में स्पेशली उस समय द मास्क नाम से एक कार्टून आया करता था, जिसमें बाद में एक मूवी बनी है, जिम कैरी ने उसमें रोल प्ले किया था। मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई थी, लेकिन मास्क पर जो एनिमेटेड हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था वो बहुत बेहतरीन था। इसके अलावा टॉम एंड जेरी, जिसके कई सारे क्लिप्स आज भी आपको YouTube पे देखने को मिलती हैं, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट, अगर मैं कभी भी कोई कार्टून कहूँ तो टॉम एंड जेरी है। उसके अलावा एक और आता था, उसका नाम था करिस द कावर्डी डॉग, बेहतरीन था। मतलब वो एक अलग तरह का कार्टून हुआ करता था, एक कुत्ते की कहानी जो कि भूतों से बड़ा डरता था और फिर तरह तरह की मुश्किलों का सामना करके वो अपने जो गार्डियन थे उनको बचाया करता था। इसके अलावा फिर 2000 के आसपास एक शो शुरू हुआ था और उसके बाद में शायद शुरू हुआ था, उसका नाम था बेंटन, वन ऑफ द फाइनेस्ट शो जिसको देख के बहुत मजा आता था। उसके अलावा 3 बहन हुआ करती थी, पावर पफ गर्ल्स, हाँ वो भी अल्टीमेट था। फिर उसके बाद डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, बड़ा मजा आता था देखने में। ये सारे शोज इतने बेहतरीन थे कि बहुत मजा आता। स्कूबी डू का मुझे याद दिला, शायद कार्टून नेटवर्क पे स्कूबी डू आया करता था, शायद हाँ कार्टून नेटवर्क पे था स्कूबी डू। और स्कूबी डू भी बड़ा सैगी, स्कूबी डू, वेलमा, ये सबका पूरा ग्रुप हुआ करता था। वो शो लिटरली काफी दिनों तक बहुत रोमांचित किया करता था। फिर अभी खबर आई कि कार्टून नेटवर्क को वॉर्नर ब्रदर्स ने अधिग्रहित कर लिया है और इसके बाद कार्टून नेटवर्क का क्या होना है इसके विषय में फिलहाल तो जानकारी नहीं, लेकिन जिस तरीके से वॉर्नर ब्रदर्स काम कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों को उन्होंने कैंसिल किया है। जैसे कि उन्होंने अभी स्कूबी डू का एक सीक्वल आया था उसको कैंसिल किया। इसके अलावा बैट गर्ल की लगभग शूटिंग पूरी हो चुकी थी, $90 मिलियन के आसपास शायद खर्च हो चुके थे, उस मूवी को उन्होंने कैंसिल कर दिया, या कई तरह का उठा पटक उनके यहाँ चल रहा है। DCU जो उनका है, DC यूनिवर्स, उसकी भी सिचुएशंस कुछ खास ठीक नहीं लग रही, जब से डायरेक्टर साहब जैक स्नाइडर, जी हाँ जैक स्नाइडर हुआ करते हैं, उन्होंने जब से छोड़ा है DC को, उसके बाद से थोड़ा सा चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं DC की। तो उसी में इन्होंने कार्टून नेटवर्क को भी अपने अंदर मिला लिया है, तो पता नहीं भविष्य क्या होगा। तो वो जो 30 साल की जर्नी है 1992 से 2022 तक की, वो जर्नी कार्टून नेटवर्क की बहुत औसम रही है। और ऐसे में कार्टून नेटवर्क का अचानक से हमारे बीच से चले जाना, ये थोड़ा सा दुख पैदा करता है, क्योंकि बचपन की एक याद इसके साथ जुड़ी हुई थी। और डिज्नी के इतर अगर किसी ने कार्टून की दुनिया को इतना चमकाया है तो वो कार्टून नेटवर्क ही है। तो हमारे जो भी 90s के किड हैं, उनके मन के अंदर कार्टून नेटवर्क की छवि ही एकदम अलग से बनी हुई है और उन शोज के रीजन आज भी हम देखते रहते हैं। तो फिलहाल तो कार्टून नेटवर्क का इस तरीके से जाना काफ़ी
दुख दे रहा है। कुछ आप लोग को मैं यहाँ पर ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा था उसमें से कुछ ट्वीट्स मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। ये ट्वीट्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये ट्वीट्स भी शो करते हैं कि कितना लोग प्यार करते हैं कार्टून नेटवर्क से। बट कार्टून नेटवर्क ने भी अपना एक ट्वीट किया कि भाई हम जिंदा हैं, हम मर नहीं रहे हैं। ये थोड़ा सा एक चेंजेस आ रहा है इंटरनेट की दुनिया में, लेकिन फिलहाल जो कार्टून नेटवर्क हुआ करता था वो अब नहीं रह जाएगा वॉर्नर ब्रदर्स में आने के बाद, कई सारी चीजें वहां पर बदलने वाली हैं। देखिए होता क्या है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं, बट अगर कार्टून नेटवर्क को वॉर्नर ब्रदर्स ने आगे चालू रखा तो ये काफी बेहतरीन उनका डिसीजन रहेगा, कि कई सारे बच्चों के इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं और उन पुराने कार्टून्स को फिर से अगर शुरू किया जाए तो ये काफी रोमांचक रहेगा हमारे जैसे लोगों के लिए। हो सकता है कि कुछ अच्छे शोज अगर फिर से हमें देखने को मिलने लगे तो शायद हम फिर कार्टून के साथ जुड़ जाएं, कि आप देख ही रहे कि कार्टून की दुनिया आज भी वैसी ही रंगीन है। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि रामायण की जो 1990s के आसपास 1992 के आसपास जो मूवी आई थी राम के ऊपर, रामायण के ऊपर, जो जापानीज डायरेक्टर ने बनाई थी मूवी, उसका 4K शायद इस साल रिलीज किया जाएगा। वो भी रामायण की मूवी अपने आप में बहुत शानदार है, अगर वो मूवी रिलीज होती है तो हॉल में हम जाके जरूर देखेंगे। इसके अलावा कई सारे मूवीज जो डिज्नी लेके आता है ऑसम रहती है, ड्रीम लाइन लेके आता है वो भी, या ड्रीम वर्क रहती है वो लेके आता है, बेहतरीन मूवीज बनाते हैं वो लोग भी, तो वो देखने में काफी मजा आता है। बट कार्टून नेटवर्क का ऐसे हमारे बीच से जाना या मर्जर होना, ये हमारे बचपन की यादों का एक तरीके से धूमिल हो जाना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और लग रहा है कि अब हम बड़े हो गए हैं, क्योंकि मन नहीं करता है कि हम बड़े हों, मैच्योर हों। वो बचपन का जो दौर है वो आज भी अपने साथ रखने का मन करता है। तो कार्टून नेटवर्क इस तरीके से गया, इसकी वजह से थोड़ा सा मन जो है वो दुखी है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि ये चीज़ें वापस से ठीक हों और हमारे बीच में फिर से कार्टून नेटवर्क जो है वो आए और एक अच्छे अच्छे शोज जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनके सामने भी वो वैसे शोज लेके आए, जिससे कि जिस तरह से हम लोग को ग्रो करने में मदद मिली है कार्टून नेटवर्क से, वैसे आज के बच्चों को भी ऐसे बेहतरीन कार्टून्स जो है वो देखने को मिले और जिससे उनकी साइकोलॉजी में एक अच्छा परिवर्तन हो। तो उम्मीद करता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है आगे, वहाँ बस क्या करते हैं कार्टून नेटवर्क के साथ। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि 1992 से चलने वाली जर्नी 2022 में 30 साल बाद आकर ख़त्म होती है, वो फॉर द बेस्ट। एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।